ओके, सो वेलकम टू अन अकेडमी। अन अकेडमी पे सबका स्वागत है। माय नेम इज़ दिलीप सिंह चौहान। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई लव टू टीच फिजिक्स। फिजिक्स इज़ माय ओल्ड फ्रेंड, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन अन अकेडमी। आप प्लस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। देर आर डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आर बींग हेल्ड, एंड देर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी तैयारी में। एंड इफ़ यू सब्सक्राइब टू प्लस, यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू नो ऑल द कंटेंट। जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस आपको सारा एक्सेस रहेगा। एंड यू कैन ज्वाइन आइकॉनिक एज वेल। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक एंड प्लस? इन आइकॉनिक यू विल बी गेटिंग ए पर्सनल मेंटोर जो आपको नीट की थ्रू आउट योर जर्नी साथ में रहेंगे और आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। एंड ही विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। यू विल बी एनालिसिंग योर टेस्ट वगैरह, ठीक है? टेस्ट सारे एनालिसिस करके देंगे, आपकी स्टडीज प्लान करके देंगे। एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। ओके, प्लस के सारे बेनिफिट्स उसमें इंक्लूडेड हैं। सो दिस इज़ द प्लान फॉर आइकॉनिक। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। लंबा प्लान जो रहेगा उसमें आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा एंड इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। एंड यू कैन यूज़ माई कोड DS01 टू अवेल अ डिस्काउंट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर प्लस। अगेन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं अपनी सहूलियत से, बट स्टिल लंबे समय का प्लान आप लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। एंड यू कैन यूज़ माई कोड DS01 टू अवेल अ डिस्काउंट। एंड यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ओके, फ्रॉम प्ले स्टोर। इट्स फ्री। सो वी वर डिस्कसिंग वर्क पावर एनर्जी, कुछ सवाल हमने लिए थे कल, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट। ओके, सो वी आर बिल्डिंग अपॉन द सेम। वी विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन नीट एग्जाम प्रीवियसली। ओके, हेलो हेलो हेलो, मोहन, गौरी, अनुष्का, कवन, नीलेश, फ्यूचर डॉक्टर, गुड आफ्टरनून, अनुराग, पुष्पम, गुड आफ्टरनून, गौतम, हेलो 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 हेलो। स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइज रेडी? गुड आफ्टरनून। ओके, कैसे हो सब लोग? सबके बढ़िया, मज़ा चल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। इट वॉज आस्क्ड इन नीट 2009। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी 20 m/s। इट मोमेंटरीली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 m। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। ईजी है, बहुत ईजी है। कवन इन सेइंग फर्स्ट? ओके, अभी देखते हैं। कवन गोयल, अभी देखते हैं। फास्ट फास्ट बोलेंगे, जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से। नीलेश वैद्य इज सेइंग फर्स्ट, मोहन सिंह इज सेइंग सेकंड, कवन गोयल इज सेइंग फर्स्ट। ओके, हाँ जल्दी जल्दी आंसर देंगे, फास्ट जल्दी आंसर दो, टाइम मत लगाओ। देखो बहुत सारे सवाल हैं, जितना फास्ट करोगे उतने ज़्यादा सवाल वी विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, फेज खान, यस यू शुड सॉल्व नीट प्रीवियस ईयर्स, डेफिनेटली। देखो नीट प्रीवियस ईयर तो आपको लगानी है, नीट PYQ यू हैव टू डू। एनी कोर्स यू कैन नॉट जस्ट यू नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग। एम्स, यस ये भी PYQs आपको लगानी है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस टू थिंग्स। ओके, ये मस्ट है, यू हैव टू डू दीज थिंग्स। ओके, इसमें एम्स वाले में आप जो क्या बोलते हैं AR वाले है ना, एसेशन रीजन वाले सवाल हैं, वो छोड़ सकते हैं। ओके, जो सवाल नीट में आते हैं सारे MCQs लगाने हैं आपको, MCQs। ओके, उसके अलावा कोई सवाल नहीं लगाने। सो नीट के PYQs 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के, एम्स के PYQs 10 ईयर्स के एटलीस्ट। ओके, और जितने हो सकते हैं उतने लगाने हैं, AR नहीं लगाने हैं। ओके, सारे MCQ जितने में वो लगाने लगाने हैं, उसके बाद भी कोई ज़्यादा होशियार है, इफ़ यू से कि मेरे को ये मैंने कर लिया, देन यू कैन डेफिनेटली सोल्व क्वेश्चन फ्रॉम JEE मेन्स लास्ट 10 ईयर्स के। ओके, वो भी MCQ सिर्फ, है ना, 4 ऑप्शंस वाले, तो ये तो मस्ट है, ये आप इससे चूक नहीं सकते। ओके, दिस हैज़ टू बी डन। पुष्पम इज सेइंग फोर्थ। ओके ओके,
ऊंचा लाल होठ, ऊंचा 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 ऊंचा, ओके। 30 जूल, पुश कवन इज सेइंग 30, पुश कवन इज सेइंग 4th, किसी ने सेकंड में बोला है, थर्ड किसी ने नहीं बोला है। मादिया इज सेइंग 4th, ओके। खुशबू गुप्ता इज सेइंग 10 जूल। अब देखो सारे आप आंसर अपने पास आ गए, किसी ने फर्स्ट बोला है, किसी ने सेकंड बोला है, किसी ने थर्ड बोला है, किसी ने फोर्थ बोला है, ओके। सारे आंसर बुक हो गए हैं। हम सोल्व कर दें क्या इसको? आरजे स्टडी ट्रैक सुपर डांसर आ गया माइकल जैक्सन इन योर ग्रुप, यो वेलकम हिम। बताओ आंसर बताओ। टी सीरीज इज सेइंग 10। ये बॉलीवुड आ गया इधर, टी सीरीज एक डांसर भी आया है। फास्ट फास्ट, जल्दी से आंसर देंगे यार, टाइम मत लगाओ, टाइम खोटी नहीं करने का इधर, क्या आंसर देने का। फास्ट देखिए क्या बोला है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, 1 kg है ना ये, इट्स थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया इसको, सो इट विल गो अप, या ऊपर जाएगी, फिर इट विल कम डाउन, नीचे आएगी, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम हाइट इज गिवन, कितनी हाइट पे जा रहा है, इट्स इट्स गिवन, आपको पता ना एनर्जी लॉस कितना हुआ फ्रिक्शन की वजह से। ओके ओके, लेट मी सॉल्व इट नाउ, ओके। इट्स वेरी इजी, देखो सबसे पहले तो देखो डायग्राम बना लेते हैं, लेट लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज द बॉल ऑफ 1 kg, ओके। 1 kg बॉल है, कूल है, कितने वेलोसिटी से फेंका है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ओके। दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, इट विल गो अपवर्ड लाइक दिस एंड इट विल कम डाउन लाइक दिस, ओके। एम इज 1 kg एंड इट्स गिवन दैट द मैक्सिमम हाइट, दिस हाइट जो ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, एच मैक्सिमम, इट्स इट्स 18 मीटर है ना, 18 मीटर गिवन है, यस। सो देखिए आप, क्योंकि एनर्जी अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, सो एनर्जी लॉस होगा ना, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, देर विल बी लॉस इन एनर्जी, डेफिनेटली यस। सो देखो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वॉट इज काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, सो इट्स हाफ, एम इज 1, वी इज 20, सो 20 स्क्वायर इज 400, सो दिस इज 200 जूल्स। सो देखो अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे 200 जूल थी, अपन कितने से स्टार्ट हुए, 200 जूल से स्टार्ट हुए, अब ये यहाँ रुक गया, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ, वो कितनी है, एम जी एच होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एम जी एच, वॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइएस्ट पॉइंट, सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखिए कितनी होगी, एम जी एच, सो एम इज 1, जी इज 10, एच इज 18, सो कितना आया है, 180 जूल्स। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी बची अपने पास, 180 जूल्स। तो बीच में देखना 200 थी, कितनी यहाँ पे ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, कितनी बच गई, 180 जूल बच गई, कितनी कम हो गई, -20 जूल खत्म हो गई। तो -20 जूल कहाँ गई, ये फ्रिक्शन खा गया, ईटन बाय मॉन्स्टर फ्रिक्शन, ओके। दिस मॉन्स्टर फ्रिक्शन हैज ईटन अप 20 जूल, दैट्स वाई द एनर्जी एट स्टार्टिंग वॉज 200 जूल एंड वी एंडेड अप विथ 180 जूल्स, दैट मीन्स फ्रिक्शन हैज ईटन अप द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विच इज 20 जूल, सो 20 जूल वी हैव लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, सो विच इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, यस और नॉट, इज दिस क्लियर और नॉट, यस 20 जूल इज करेक्ट। आरजे स्टडी ट्रिक आपको क्या नंबर ग्रो करने हैं, जस्ट प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके प्रैक्टिस करिए। 0% डाउट अभी बताते हैं अगले पे। ऋषि जसपाल, आई एम गुड, हाउ आर यू? रोमन रेन इज हियर, कोवन गोयल,
आवाज़ तुमने बढ़ा नहीं रखी है भाई, मेरी आवाज़ बहुत तेज है। यस मादिया, यू आर करेक्ट। दिस इज़ क्लियर और नॉट? 0% डाउट। ओके, कोई बात नहीं नीलेश, इट्स ओके इफ़ यू अंडरस्टूड इट, इट्स ओके, कोई बात नहीं। गलत आंसर तो चलता है ना। आगे बढ़े, शुड वी मूव अहेड, आगे चलते हैं। कूल, दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जल्दी से आंसर देंगे, फास्ट। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2i कैप + 5j कैप टू 4j कैप + 3k कैप व्हेन ए फोर्स ऑफ 4i कैप + 3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड। हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स? देखो नीट 2017 में आया हुआ सवाल, इट्स वेरी इजी, 1 मिनट प्रॉब्लम, इट्स ए 1 मिनट प्रॉब्लम। ओके, 1 मिनट में सोल्व होने वाली प्रॉब्लम है। तुक्के लगाने का सुपर ट्रिक है, तुक्का लगाना, आँख बंद करो लगाओ, तुक्कों से कुछ नहीं होता है। ओके, ओके, बताइए जल्दी से, बोलिए, फास्ट आंसर देंगे, जल्दी 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 आंसर देंगे। नीलेश इज सेइंग 5 जूल, ऐश्वर्या इज सेइंग 5 जूल, 0% डाउट इज सेइंग 5 जूल, खुशबू इज सेइंग 8 जूल्स, 5 जूल। ओके, पुष्पा में सेइंग सेकेंड। ओके, इट्स वेरी इजी। देखो नीट में कैसे सवाल आते हैं, नीट के सवाल बहुत इजी होते हैं ना, जो हम करते हैं उससे ज़्यादा इजी नीट के सवाल है ना। इससे टफ तो हमने कल ही करे थे, इससे मुश्किल सवाल तो हमने सोल्व कर लिए थे कल ही, वी हैव डन यस्टरडे इटसेल्फ, वेरी इजी। यस यस, हाँ ध्यान से पढ़ोगे तो इट्स वेरी इजी, सारे सवाल इजी होते हैं। बहुत आसान नहीं, देखो ऐसा होता है, एक होते हैं आसान सवाल, एक होते हैं बहुत आसान सवाल, फिर आते हैं ऐसे सवाल, है ना, आसान, बहुत आसान, और फिर आते हैं ये सवाल। इजी, वेरी इजी, एंड देन दिस प्रॉब्लम, इट्स वेरी। ओके कूल, अच्छा नहीं था, 0% डाउट जोक्स, सॉरी मेरे को आता नहीं जोक मारना। ओके देखो बहुत इजी है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R2 वेक्टर - R1 वेक्टर होगा ना, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया, तो आर टू इज 4j + 3k - R1 वेक्टर कितना है, -2i + 5j - 2i + 5j, ये आर टू वेक्टर। तो देखो 4j, तो 4j j में से देखो कितना गया, 4j -5j कितना बन गया -j कैप, i में कितना है -2i कैप और +3k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो आप जानते हो यार वर्क डन क्या होगा, F.R होगा ना सिंपली, सो वर्क डन इज इक्वल टू F.R, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, F.S लिख दो चाहे, फोर्स वेक्टर देखो कितना है, 4i कैप + 3j कैप + 0k कैप लिख सकते हैं, k कैप में है ही नहीं, डॉट इसमें देखो कितना है, 2i - j + 3k कैप, सिंपल है बस। तो देखो i वाले को i के साथ, तो 4 × 2 = 8, j वाले को j के साथ, 3 × -1 - 3, k वाले को k के साथ +0, कितना बन गया ये 5 जूल्स। ओके, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, वेरी इजी। बोलो जी,
सुपर आर ये आरजे स्टडी ट्रिक बोल रहा है कि सुपर ट्रिक है उसके पास, उसी से उसके नीट में 110 आए हैं। भैया लोगों को भी बताओ, भला करो इनका भी। यस मादिया प्लस 8। फ्यूचर डॉक्टर मिस क्या मिस विस कर दिया आपने? पढ़ाई वढ़ाई कर लो, डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ, इनमें कुछ नहीं है मिस विस में। ओके बोलो। बोलो डाउट है तो किसी का। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। विकास मलिक। हाँ चलो अपन भी मस्ती करते हैं। क्या क्या ये इस पे क्या वो करोगे तुम यार, मजे ले रहे हो? पढ़ाई कर लो, बताइए जल्दी से, आगे चलें? ठीक है चलो ये बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। हर हर महादेव शशांक सिंह। पार्टिकल ऑफ मास 10 kg, 10 g मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 cm विथ ए कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 8 × 10⁻⁴ जूल बाई द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। बताइए। जल्दी 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 सोल्व करके बताना, तुक्का मत बिना, तुक्का नहीं लगाना है, सोल्व करिए फिर आंसर दीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर देना है इसलिए आंसर दे रहे हो। नो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए 2 × 2 πr करेंगे ना? हाँ, 0% डाउट। यस एग्जैक्टली, एस इज 4 πr। सिंपली देखो सेकेंड रिवोल्यूशन है ना, तो देखो एक फिर दो है ना, तो एस कितना है? 2 × 2 πr। ठीक है ये फॉर्मूला लगाना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, खत्म बात। वेरी इजी। ये देखो भगवान आ रखे हैं तुम्हारे इधर, एक मेरे एक फॉर्मूले से आप सभी के 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। वाह देखो मैंने हिंट दे दिया, अब कर दीजिए इसको सॉल्व। पुष्पम इज सेइंग थर्ड, नीलेश वैद्य इज सेइंग 0.1। ओके चिकन लवर इज सेइंग विल एनी वन बी माई फ्रेंड, सब तुम्हारे दोस्त हैं।
बोलिए। देखो सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हाँ यहाँ तो 10 फॉर्मूले से एक चैप्टर क्लियर नहीं होता। सही बोल रहा है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ तुम ये गलत जगह आ गए चिकन लवर, यहाँ पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं भाई सारे। हेलो विकास। ओके सो देखो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, इट्स वेरी इजी। देखो क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 8 × 10⁻⁴ जूल्स। ओके सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज कितनी है, 8 × 10⁻⁴ जूल्स। ओके सो सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁴ जूल्स। एम इज गिवन, एम इज 10 ग्राम। ओके सो वी स्क्वायर देखो कितना आ गया, वी स्क्वायर इज 8 × 216 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई एम। एम कितना है, एम इज 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ किलोग्राम्स। सो वी स्क्वायर इज सिंपली 16। ये माइनस टू हो गया, ऊपर जाएगा तो -2 ये 100 बन जाएगा ना, ये बनेगा। तो ये कितना बनेगा, देखो 4/10, ये 4/ सॉरी वी स्क्वायर ये बन गया। सो 4/10 होल स्क्वायर है ना ये, तो वी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास में, इट्स वेरी इजी। ये तो आपको गिवन था, सिंपल सब कुछ तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ नाउ वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज गिवन, सो 0.4 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 0, सो 2 × a इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड a। s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा 2 × 2πr, दो रिवोल्यूशन बोल रहा ना, सो 2 × 2πr। तो s की जगह क्या लिख दो, 4πr सिंपली। सो वी कैन कैलकुलेट a एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर विच विल टर्न आउट टू बी 0.4 होल स्क्वायर अपॉन 2 × 4 × π इज 3.14 × r। r इज गिवन, r कितना है, आर इज 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 × 10⁻²। ओके ये आपका आएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस ए विल टर्न आउट टू बी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सो ऑप्शन थर्ड इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ईजी है बट कैलकुलेशन से इसमें। ओके मेरी गारंटी है, आप खुद बोल देंगे। हाँ भैया आरजे स्टडी ट्रिक बताओ, जनता को बता दो। जिस भाई को जानना है वो मैसेज करे। ये वो वाले नहीं होते क्या, सब जगह कमेंट्स करे हुए होते हैं कि भैया तो तुम्हारी ये समस्या है तो बाबा से समाधान पाए, वैसे डाल रहा है आरजे स्टडी ट्रिक। गुड आफ्टरनून साहिबा सूफिया। बोलिए। हाँ आरजे भाई 100 200 ज़्यादा ले लो पर ट्रिक बता दो। सही बोल रहा है। आगे बढ़े कि किसी को इसमें परेशानी है। हाँ 0% डाउट चल रहे हैं। किसी सज्जन को तकलीफ है क्या भाई, इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ओके साहिबा कोई ट्रिक नहीं है, मजे ले रहे हैं। खुशबू गुप्ता सिंह एक बार और। ओके मैं बता देता हूँ, देखो क्या किया है, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 8 × 10⁻⁴। तो हमें हमें फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू इज गिवन 0, तो यू खत्म हो गया। 2 हम जानते हैं, एस कितना है, एस है 2 रिवोल्यूशन हो गया, तो 2 × 2πr हो गया ना, 1 का 2πr, 2 का कितना होगा, 2 × 2πr। तो हमें एस भी पता है, 2 भी पता है, हमें वी कहाँ से आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज गिवन 8 × 10⁻⁴। यहाँ से एम की वैल्यू पुट करके वी हैव कैलकुलेटेड वी, वी विल टर्न करना कम आउट टू बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी नो द फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी इज गिवन 2as इज 4πr, सो सिंपली यहाँ से a कैलकुलेट कर लिया हमने। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेलो भारत साहू, गौरी सिंधे, विकास मलिक, हाउ आर यू गाइस? बोलिए, इसका आंसर बोलिए फास्ट। भरत सावी सिंह सेकंड। जीरो परसेंट डाउट इज सिंह 18 जूल। अभी देखते हैं। इजी, वेरी इजी, बहुत इजी है। हाँ, पूछो सिंह सेकंड। अभी देखते हैं। माधे सिंह सेकंड। सब लोग सेकंड बोल रहे हैं। वेरी इजी, यस वेरी इजी। नीट में सब इजी सवाल ही आते हैं यार, क्या करें, नीट की प्रॉब्लम से इजी होती है। माइकल जैक्सन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व इज गिवन। आपको वर्क डन पूछा है, व्हाट इज वर्क डन? आप प्रीवियस पेपर भी चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, गारंटी है मेरी। भैया भला कर दो जनता का। नो 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 नो, देखो तुम सबका ये गलत हो गया है सवाल, है ना? तुम्हारा गलत आंसर है सबका, क्या करें अब? देखो यहाँ से यहाँ तक फोर्स ही नहीं है भाई, 0 से 3 तक देर इज नो फोर्स, फोर्स इज 0, सिंपली द वर्क डन इज दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो इसका वर्क डन कितना आएगा, 4, और ये कितना है 2, तो इसका वर्क, इसका एरिया हो गया 8, इसका एरिया देखते हैं 1/2 इंटू बेस इज 5 इंटू हाइट कितनी है, हाइट देखो कितनी है 2, सो ये कितना हुआ 5, तो इसका एरिया हो गया 5, तो टोटल एरिया कितना हुआ 8 + 5 इज इक्वल टू 13 जूल्स। ओके, सबका गलत है ये, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अरे गलत है भैया। हाँ तो गलत हो गया, अब क्या है, 13 जूल इज करेक्ट। हाय किशोरी मोरे, हाय। एरिया कैलकुलेट करना था सिंपली, है ना? जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा। ये सिली मिस्टेक्स ही एग्जाम में खराब करते हैं ना, जल्दबाजी में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, इट्स ओके। हाँ माध्य, देखिए यहां से यहां तक देर इज नो फोर्स, 0 से 3 तक कोई फोर्स नहीं है, डॉटेड लाइन इसीलिए है ना, क्योंकि 0 फोर्स यहां से यहां तक, उसके बाद फोर्स है ना, तो इसका एरिया देखिए, इसका एरिया कितना होगा, दिस इज 4, दिस इज 2, सो दिस एरिया इज 8, दिस इज 2 अगेन, दिस इज 5, तो इसका एरिया कितना आएगा, देखो 1/2 इंटू 5 इंटू 2, तो एरिया इज 5, और इसका 8, 5 और 8 13 हो गया ना, राइट? अरे सर 12 डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका वो नहीं करेंगे कि हाँ 12 तक लिया ना डिस्प्लेसमेंट, देखो 0 से 12 तक लिया ना। ओके नॉट सो ब्रोकन, देखिए 12 पूरा तक लिया मैंने, 0 से 3 तक वर्क डन 0 है। ओके कूल, लेट्स मूव अहेड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी अगेन, बहुत इजी है।
जल्दी से बोलिए क्या आंसर आना चाहिए इसका। बहुत इजी है ये सवाल भी। बोलिए इसका आंसर क्या आएगा। फास्ट, जल्दी जल्दी बोलेंगे। समय का खराब नहीं करना है भैया बच्चों, समय को खराब नहीं करना है। बहुत तेज, इतना तेज आंसर देना है, समझे क्या? टू ए बाई बी, 0% डाउट इज सिंग टू ए बाई बी। दुर्गराज सिंह कश्यप इज सेइंग डी। नीलेष वैद्य इज सेइंग फोर्थ, ओके। फ्यूचर डॉक्टर इज सेइंग बी। माध्य इज सेइंग फोर्थ, ओके। कूल 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 कूल, ग्रेट। फोर्थ फोर्थ, सब लोग फोर्थ बोल रहे हैं, कुछ लोग सेकंड भी बोल रहे हैं। पृथ्वीराज इज सेइंग बी। पुष्पम इज सेइंग फोर्थ। दिनेश कुमार इज सेइंग टू ए बाई बी। साहिबा सुप्रिया इज सेइंग डी, ओके। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई ना इसको। कूल, लेट मी सॉल्व इट नाउ। ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, ओके। सो यू इज सिंपली ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, ओके। दिस इज यू, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन। इक्विलिब्रियम पे देखना, एट इक्विलिब्रियम फोर्स इज जीरो। एट इक्विलिब्रियम एफ नेट क्या होता है? जीरो होता है। और हम जानते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। सो आई कैन राइट दैट डी यू बाई डी आर हैज़ टू बी जीरो एट इक्विलिब्रियम, है ना। ये मैंने बार बार बता दिया तुमको, हज़ार बार बता दिया ये चीज़। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काफ़ी बार पूछा जाता है नीट में, जेई में, सब जगह ये, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, वी नो दैट। सो इसका देखो, यू का डी यू बाई डी आर कर रहे हैं, तो यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। तो देखना डी यू बाई डी आर क्या आएगा। डी यू बाई डी आर इज सिंपली ए बाई आर स्क्वायर का क्या होगा, माइनस टू ए अपॉन आर क्यूब। 1/x² माइनस टू अपॉन x³ होता है, प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। इसको हम क्या पुट कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं, ओके। जीरो पुट कर दो तो देखो क्या बनेगा, टू ए अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो आर कितना आ गया यहाँ से, आर इज टू ए बाई बी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो यस, डी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। या यस, 0% डाउट, यस। माइनस आएगा टू ए अपॉन आर क्यूब के साथ ना, 0% डाउट, यस। असफान मलिम इज सेइंग फोर्थ, हाँ सब फोर्थ वाले सब लोगों का करेक्ट है, यस। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क, नहीं तो आगे बढ़ते हैं ना। इट्स वेरी इजी। ओके हनी, बताओ आंसर, बताओ जल्दी से। यूनिफॉर्म फोर्स
ऑफ थ्री आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजिशन 2 i कैप मीटर टू द पोजिशन 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप मीटर. द वर्क डन बाई द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इट्स वेरी इजी. अगेन बहुत ईजी सवाल है. फर्स्ट इजी, बहुत इजी बच्चों वाला सवाल है. निलेश वैद्य सिंह फर्स्ट 0%, डाउड इज सेइंग 9 जूल, साई भाई सिंह फर्स्ट, ओके 6 + 3 = 9. हाँ 0% डाउड, यस यही होगा, सही बोल रहे हो. 9 जूल, ओके बहुत इजी. फ्यूचर डॉक्टर इज सेइंग बी, दिनेश इज सेइंग 9 जूल, ओके पुष्पम इज सेइंग फर्स्ट, ओके इट्स वेरी इजी. 9 जूल, 9 जूल, 9 जूल. प्रसाद इज सेइंग फर्स्ट, मध्य इज सेइंग 9 जूल, ओके okay. देखो बहुत इजी है. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं. आर वेक्टर इज सिंपली, अभी मैंने पहले बताया था ऐसा सवाल, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर. सो आर टू वेक्टर कितना है, 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप माइनस आर वन. कितना है, 2 i प्लस k, 2 i प्लस k. देखो ये कितना बनेगा, 4 i माइनस 2, तो माइनस टू और माइनस कितना है ये, 4 i कैप. हाँ तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा ना, 2 i कैप 3 j, j यहाँ पे है नहीं, तो +3 j. माइनस के कितना हो गया, -2 k कैप. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो वर्क डन कैसे लिखेंगे, एफ डॉट आर. वर्क डन इज सिंपली एफ डॉट आर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो फोर्स वेक्टर कितना है, 3 i कैप प्लस j कैप डॉट आर वेक्टर इज 2 i प्लस 3 j माइनस 2 k. सो देखो आई का आई के साथ होगा 3 × 2 = 6, जे का जे के साथ 1 × 3 = 3, और 0 है ना के के, यहाँ पे 2 है तो 0, तो कितना बन गया, 9 जूलियर. सो ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट 9 जूल इज करेक्ट आंसर. हाँ बहुत इजी से भी इजी है यार, नीट में अब क्या करें, देखो नीट की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, अब इजी आती है इसमें. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 2015 में पूछा गया है ना, 2015. इजी इजी आते हैं, नीट में सारे सवाल ही इजी होते हैं. देखो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मुश्किल होगा, है ना, सब इजी होते हैं. ये डाउट वाला अथर्वा है क्या, ये पबजी वाला है. वाटा 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 वाटा. हाँ आरजी स्टडी ट्री कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, बहुत इजी इजी, वेरी इजी इजी, वेरी इजी. टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के पी एंड के क्यू सच दैट के पी इज ग्रेटर देन के क्यू. दे आर स्ट्रेस्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट केस ए, देन बाय द सेम फोर्स केस बी. द वर्क डन बाय द स्प्रिंग्स डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू क्यू आर रिलेटेड एज इन केस ए एंड केस बी रेस्पेक्टिवली. बोलिए
वेरी इजी, वेरी इजी, अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। साहिल अंकुर बोल रहे हैं सेकंड। पुस्तम इज सेइंग सेकंड, साई भाई सेइंग सेकंड। दूसरा आंसर बोल रही है जनता। कोमल अंकुर, साहिल अंकुर, ओके साहिल अंकुर, नाम बदल गया तुम्हारा। अबदा बारी के सिंह थर्ड, ओके अभी देखते हैं। जीरो परसेंट डाउट? नहीं, 0% डाउट है, तुमने ढंग से नहीं पढ़ा। अगर ढंग से पढ़ोगे तो तुम सीधा आंसर दे दोगे इसके, इतना इजी है ये। मैं बताता हूँ कैसे आया इतना जल्दी। बोलिए बोलिए। बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैं बता दूं क्या? आरजे स्टडी ट्रिक बोल रहा है सर, वो फॉर्मूला आज अपलोड हो जाएगा, आप भी यूज करना। अरे भाई हमको तुम क्या मतलब बच्चा समझ रखे हो क्या? ओके देखो देखो क्या बोला है। टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू हैव सेम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी एंड के क्यू, के पी इज ग्रेटर देन के क्यू। सबसे पहले देखो एग्जाम में कैसे करना है। दे आर स्ट्रेस फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट, एक्स दोनों में सेम है, एक्स पी बराबर क्या है, एक्स क्यू। ठीक है, पहले वाले केस का वर्क डन देख लेते हैं क्या होता है। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स तो सेम है, तो जिसका के ज़्यादा होगा तो मतलब पी पी का ज़्यादा ना, तो डब्ल्यू पी विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। तो आंसर तो ऐसे आ गया, देखो कोई भी ऑप्शन में पहले वाले में ऐसा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हो गया। ऐसे दिया होगा, ऐसे आंसर ऐसे लगाना है एग्जाम में, तो असली में कैसे करना है देखो। के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, सो पहले वाले केस में एक्स इज सेम, एक्स सेम है, तो वर्क डन पी का कितना आया देखो, हाफ के पी एक्स स्क्वायर। वर्क डन क्यू का क्या आया देखो, हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर। तो इनमें जिसका के ज़्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज़्यादा हो गया ना, बिकॉज के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, सो वर्क डन पी इज ग्रेटर देन वर्क डन क्यू। दिस इज द फर्स्ट केस। दिस इज क्लियर और नॉट? आई होप दिस इज क्लियर। नंबर टू, इन नंबर टू केस एफ इज सेम, इसका मतलब के पी एक्स पी इज इक्वल टू के क्यू एक्स क्यू, है ना? यही तो है दूसरे वाले केस में, यही तो हुआ है, के पी एक्स पी इज इक्वल टू के क्यू एक्स क्यू। तो देखो वर्कडन देखते हैं हम, वर्कडन तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, वर्कडन देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो के पी अपॉन के क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं अपन, यहाँ से देखो एक्स पी अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू, एक्स पी अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, के क्यू अपॉन के पी। तो वर्क डन बाई पी क्या बना देखो, हाफ के पी एक्स पी स्क्वायर। डब्ल्यू बाई क्यू क्या बना, हाफ के क्यू एक्स क्यू स्क्वायर। ये बन गया दोनों का वर्क डन।
अब देखिए इनमें से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो ये कैसे, अब कैसे चेक करें कि ज़्यादा कौन सा इनमें से, दोनों को डिवाइड कर दो, डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू लिख दो, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो हाफ कट गया के पी के क्यू, तो क्या बना, देखो के पी अपॉन के क्यू इंटू एक्स पी अपॉन एक्स क्यू होल स्क्वायर, और ये हमने एक्स पी अपॉन एक्स क्यू देख रखा है, के क्यू अपॉन के पी होता है, तो देखो क्या बनेगा, के पी अपॉन के क्यू इंटू एक्स पी अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन के पी होल स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो देखो कितना बनेगा, डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू कितना आ गया, देखा है यहाँ से कितना आया, यहाँ से के पी कट जाएगा एक, तो के क्यू अपॉन के पी आ गया, के क्यू अपॉन के पी, है कि नहीं। अब देखो ज़्यादा कौन सा है, अब देखो हमारे पास आ गया दूसरे वाले केस में, देखना डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू इज के क्यू अपॉन के पी, क्योंकि के पी इज़ ग्रेटर देन के क्यू, तो ये जो चीज़ है एक से कम होगी ना, अगर के पी इज़ ग्रेटर देन के क्यू देन डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू जो है इसका रेशियो क्या लेस देन वन आएगा क्या, तो इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू पी से क्या ज़्यादा है, डब्ल्यू क्यू ज़्यादा है, तो सेकेंड केस सेकेंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियरली अंडरस्टूड, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क, आई विल सॉर्ट देम आउट, ओके। यस 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 आई एम अंडर, हरिंदर सिंह जी सही, आई एम अंडर बस, भाई बस के नीचे क्या कर रहे हो तुम हरिंदर सिंह, नीचे बाहर निकलो बाहर निकलो, इट्स डेंजरस, बाहर आ जाओ। अच्छा ओके, बस में हो ऐसा बोलना चाह रहे हो, बस के अंदर हो कहने का मतलब ये है, कूल। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हरिंदर सिंह, सीकर जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो सीकर, गांव से, कौन सा गांव है तुम्हारा, पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्रिवन बाई मशीन दैट डिलीवर्स ए कॉन्स्टेंट पावर के वॉट, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू, वेरी इजी। जयपुर से हैं आरजे स्टडी ट्रिक, मैं भी जयपुर में रहता हूँ, मुझे दे जा छुपका के ट्रिक। ए 0% डाउट इज सेइंग ए, अभी देखते हैं, सॉल्व करके आंसर दो ना, तुक्का नहीं बिठाना है, तुक्केबाजी अपने उसमें नहीं है, तुक्काबाजी इज नॉट ए ऑप्शन, ओके सॉल्व करिए फिर आंसर दीजिए जल्दी से। डीवी बाई डी टी से किया, ओके पूसम इज सेइंग फर्स्ट,
तुक्काबाजी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यस इट्स इंजरियस फॉर हेल्थ। हरिंदर सिंह इज सेइंग फर्स्ट, मनप्रीत कौर इज सेइंग फर्स्ट। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी इजी। आरजे सेडेटरी का आई लिव इन बनी पार्क नियर कलेक्ट्रेट सर्किलिया। कलेक्टर के पास में रहते हैं। ओके, फर्स्ट मे बी सीक्रेट गर्ल इज सेइंग फर्स्ट मे बी, अभी देखते हैं। मे बी फोर्थ, ओके, बहुत इजी है। देखो ये तो कैसे भी कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। ओके, हेलो शिवानी, एफ डॉट वी इज पावर, ये कांस्टेंट दे रखा है, के पावर कांस्टेंट, पी इज इक्वल टू के गिवन है ना, ठीक है। तो एफ क्या लिखते हैं, एम ए लिखते हैं एफ को, है ना, तो एफ इज एम ए, वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, यस वी इज इक्वल टू के हो गया, एम डी वी बाई डी टी इंटू वी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से सिंपली देखो क्या आएगा, वी डी वी, वी डी वी इज इक्वल टू के बाई एम, साथ में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, सो वी कैन इंटीग्रेट। तो देखो क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के टी बाई एम बन गया, है ना। तो वी कितना आ गया, देखिए यहाँ से वी इज इक्वल टू रूट टू के टी अपॉन एम, आई होप दिस इज क्लियर, रूट टू के टी अपॉन एम बन गया, यही होगा। वी हमारे पास आ गया, तो मैंने पूछा क्या ये, क्या पूछा भाई, फोर्स पूछा है, तो फोर्स देखो यहाँ से आ जाएगा, फोर्स इज सिंपली क्या है, के बाई, फोर्स इज के बाई वी। सॉरी, सो फोर्स इज के बाई वी, तो एफ इज इक्वल टू के अपॉन वी, वी कितना आया देखो, रूट टू के टी अपॉन एम, है ना, सो रूट टू के टी अपॉन एम, रूट टू के टी अपॉन एम, ठीक है। तो इसको बस सोल्व कर लीजिए, अब यहाँ से एफ इज इक्वल टू देखो क्या बनेगा, रूट एम अपॉन टू के टी इंटू, साथ में क्या बन गया, क्या आ गया ना, देखो ऊपर रूट में आ जाएगा ये, सो रूट एम के अपॉन टू टी, ओके रूट एम के अपॉन टू टी, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, आई होप दिस इज क्लियर। वापस बताना हो तो बोल देना, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। मेरा दादा भी बदमाश था, मेरा पापा भी बदमाश है, और मैं भी बदमाश हूं। जीरो परसेंट डाउट, एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर एम ए से कैसे, एफ बराबर एम ए से ही तो निकाला है मैंने, और किससे निकाला है। ओके, यस साहिल अंकुर, सो फोर्थ इज करेक्ट, बोलिए डाउट है तो। इसको डायरेक्ट वी को वी बराबर यू प्लस ए टी मत लिख देना, इट्स नॉट गिवन की फोर्स कॉन्स्टेंट। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट मेथड, बुक्स में भी गलत मिलेगा इस सवाल का आंसर तुम्हें, इस सवाल का आंसर बुक्स में भी गलत दे रखा है, काफी सारी बुक्स में भी आपको इसका आंसर जो है गलत मिल जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको बुक्स में इसका आंसर, विच इज नॉट करेक्ट, बुक्स इसका फर्स्ट आंसर देके रखती है काफी सारी गलत। फिर से बताएं, ओके
बुक्स में आप देखोगे आपको फर्स्ट आंसर भी देखने को मिल सकता है। देखो सिंपली क्या गिवन था, पावर इज कॉन्स्टेंट, ओके पावर इज कॉन्स्टेंट गिवन था, पी इज कॉन्स्टेंट के ऐसा गिवन था, ओके मैंने लिख दिया। हम जानते हैं पावर इज एफ डॉट वी, एफ डॉट वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फोर्स को हम लिख सकते हैं एम ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम ए को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, यस आई नो दैट आई कैन राइट डी वी बाई डी टी। वी ऐसा कैसा इज इक्वल टू के, यहाँ से आ गया वी डी वी इज इक्वल टू के अपॉन एम, इधर आ गया डी टी, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। ठीक है दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो इधर क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ बन गया के टी अपॉन एम। सी जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो था, तो यहाँ से देखिए वी कितना आ गया, वी आ गया अंडर रूट टू, इधर चला जाएगा क्या बनेगा टू के टी अपॉन एम, दिस इज वेलोसिटी। किसी भी टाइम में वेलोसिटी आ गई अपने पास, यस नाउ वी नो दैट एफ डॉट वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। सिंपली फोर्स ही पूछा है, फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से के बाई वी आ जाएगा ना, तो के बाई वी वेलोसिटी देखो ये रही अंडर रूट टू के टी अपॉन एम, इसको देखो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एम ऊपर चला जाएगा नीचे टू के टी, साथ में क्या है के है, देखिए क्या बनेगा के अंदर आ जाएगा वापस एम के अपॉन टू टी, दिस इज द फोर्स। ओके ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, यू कैन रीचेक इट, ये फोर्स पुट कर सकते हैं यहाँ पे और चेक कर सकते हैं कि वेलोसिटी इसे मल्टीप्लाई करने पे कॉन्स्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके यू कैन चेक रीचेक इट। ओके नीट में फोर्थ लगाना है, फोर्थ इज करेक्ट तो फोर्थ ही लगाओगे ना यार, 0% डाउट, फोर्थ ही करेक्ट आंसर है तो फोर्थ ही लगाना है, वो तो बुक्स वाले गलत लिख देते हैं। रॉयल आर्मी लवर क्यों नहीं समझा यार, दो बार बता दिया मैंने, इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके अब देखो कि बुक्स वाले इसको कैसे सोल्व करते हैं और गलत क्या करते हैं, देखो वो भी बता देता हूँ मैं, बुक्स में क्या गलती मिलेगी तुम्हें, है ना। देखो बुक्स में आपको ये गलती मिलेगी, कहाँ है फोर्स पूछा है तो अब देखो कैसे करते हैं, तुम लोगों को भी ऐसे कर रहा होगा, एफ वी बराबर के कॉन्स्टेंट हो गया पावर, ठीक है एफ को हम लिख देंगे एम ए वी बराबर के, हम जानते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू कितना है जीरो, ए टी हो गया तो वी कितना आ गया ए टी आ गया। ठीक है तो देखो यहाँ से एम ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए, वी की जगह क्या लिख सकता हूँ ए टी बराबर के, सो यहाँ से देखो एम ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू के, तो ए कितना आ गया, ए आ गया देखो रूट के अपॉन एम टी, ये ए आ गया, ये ए आ गया ना आपका। तो एफ क्या होता है, एफ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम इंटू ए, ए देखो कितना है रूट के अपॉन एम टी, तो देखो कौन सा आंसर आ गया, यहाँ से एम अंदर चला जाएगा ना एम के अपॉन टी, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन देके रखते हैं बुक्स में ऐसे सोल्व करके। ठीक है ये गलत है, बताओ क्यों गलत है, टेल मी व्हाई दिस इज रॉन्ग। ये बताओ गलत क्यों है, व्हाई दिस इज रॉन्ग, ये गलत क्यों है बताओ, देखो क्यों गलत है, ये सब मिलता है बुक्स में। अब देखो मैंने ये यूज किया है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना देखना ध्यान से सुनना ये बात, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया मैंने, ये कब करते हैं हम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पे, जब एक्सेलरेशन कैसा हो कॉन्स्टेंट, इसका मतलब फोर्स भी कैसा हो कॉन्स्टेंट होगा, जब भी तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट फोर्स होना चाहिए, जब भी तो यूज कर सकते हैं ना ये फॉर्मूला, जब भी यूज कर सकते हैं जब फोर्स कैसा हो कॉन्स्टेंट। अब तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वही वेरिएबल है, देखो टी में आ रहा है कि नहीं, जो तुम्हारा आंसर आएगा ये यूज करके वही वेरिएबल आ रहा है ना, देखो फोर्स में टाइम का आ रहा है, इसका मतलब फोर्स बदल रहा है टाइम के साथ, जबकि तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस और नॉट, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग, बुक्स में ऐसा दिया हुआ होता है और फर्स्ट ऑप्शन भी मिलता है जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। समझ में आ गया क्या क्यों गलत है, इज इट क्लियर नाउ। समझे कि तुमने यूज यहाँ पे किया है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि
फिर तुम खुद ही फोर्स निकाल रहे हो जो खुद टाइम वेरिएबल है ना। जीरो परसेंट डाउट का सवाल ही बोला है मैंने, उसी का बताया है। ओके इज इट क्लियर और कूल? ओके सो फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज द करेक्ट मेथड। ओके दिस इज करेक्ट, यू हैव टू फॉलो दिस मेथड एंड आंसर इज फोर्थ। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। ओके लेट्स मूव अहेड। ये बताइए बोलिए क्या आंसर आएगा। वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट। इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू थ्री पीसेस। टू पीसेस ईच ऑफ मास m मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद इक्वल स्पीड v। द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द एक्सप्लोजन इज? टेल मी टेल मी टेल मी। कोमल इज सेइंग सेकंड। ओके साहिल इज सेइंग सेकंड। भूस्वामी इज सेइंग सेकेंड। गुड इवनिंग श्रुति। सीमा इज सेइंग सेकेंड ऑप्शन। साहिबा इज सेइंग सेकेंड। यस श्रुति वेलकम। भूस्वामी इज सेइंग सेकेंड। ओके एम वी स्क्वायर बाय टू प्लस एम वी स्क्वायर अभी देखते हैं। अभी देख लेंगे अभी देख लेंगे है ना। सीक्रेट गर्ल इज सेइंग टू आएगा पक्का 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 अभी देखते हैं। सेकंड वाला ओके मैं सॉल्व कर दूं इसको फिर। शुड आई सॉल्व इट? सबका आंसर आ गया। ओके बी 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 बोल रहे हैं। बी बी देखो ऐसा बोला है कि दिस एम मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी। दिस एम मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी। साहिल अंकुर हाँ सेकंड बोल रहे हैं आप देख लिया मैंने। ओके मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो तो एक्स वाई प्लेन में देखो ये है। सो दिस इज द एक्स वाई प्लेन। दिस सॉरी 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 सॉरी। ओके देखो दिस इज एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स दिस इज वाई। सो अपने पास 4m था टोटल है ना। टोटल वॉज 4m। इनमें से m किधर गया? m m चला गया इस डायरेक्शन में v से। ये m चला गया वेलोसिटी v से किस डायरेक्शन में? इधर। ओके तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड वाला जो रहेगा वो कितना है? 2m है ना। 2m तो ये 2m है। इस 2m का इधर वाला कंपोनेंट होना पड़ेगा v बाई टू। इधर वाला कंपोनेंट भी होना पड़ेगा v बाई टू। अरे जब भी तो ये जाएगा यार। ठीक है v बाई टू इसका 2m का इधर कंपोनेंट v बाई टू इधर v बाई टू। तो इधर देखो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा mv। तो जीरो हो गया। इधर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा mv 2mv इंटू v बाई टू। तो ये भी मोमेंटम जीरो हो गया। तो इसका मतलब 2m जो है इधर जाएगा कितनी स्पीड से? अंडर रूट वी बाई टू वी बाई टू स्क्वायर है ना। तो वी स्क्वायर बाई फोर प्लस वी स्क्वायर बाई फोर ये कितना बन गया? वी बाई रूट टू से है ना। वी बाई रूट टू से चला गया ये। वी बाई रूट टू से इधर चला गया।
सिंपली 2mv बाय रूट टू से इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो v बाय रूट टू से इधर गया, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी तीनों की ऐड कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर ये पहले वाले की, हाफ एम वी स्क्वायर ये किसकी, दूसरे वाले की, प्लस हाफ तीसरे वाले का कितना मास है 2m इंटू वी स्क्वायर, इसका वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर बाई टू। ओके, सो यहाँ से देखिए हाफ तो कॉमन आ गया, तो हाफ कॉमन आ गया क्या बना, एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बना देखो एम वी स्क्वायर बना नहीं, ये भी दिस इज एम वी स्क्वायर, सो दिस इज 3mv स्क्वायर बाई टू। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द टोटल एनर्जी, सो ऑप्शन टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सवाल में एग्जैक्टली हुआ क्या है सबको समझ आना चाहिए कि किधर से क्या हुआ है ना, सिर्फ आंसर आने से नहीं होना है। यस यू आर करेक्ट, सिर्फ आंसर नहीं लाना है, यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इटसेल्फ, द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन। ओके, हाँ तुम्हारा भी हटके है भैया। बोलिए डाउट है कि आगे चलें, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन, टेल मी क्या आंसर आएगा, टेल मी। थर्ड रॉयल आर्मी लवर इज सेइंग सी, पुष्पम इज सेइंग सी, साहिल अंकुर इज सेइंग सी, सब लोग बोल रहे हैं सी, सारी जनता बोली सी। ओके ओके, सब लोग ऑप्शन थ्री बोल रहे हैं। श्रेयस कुलकर्णी सेइंग थर्ड, ओके। हेलो रूही हाय, ओके यस, सो थर्ड इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिन लोगों ने भी थर्ड बोला है दे आर राइट। देखो जैसे मान लो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग मान लो कि गाड़ी है ना चलने वाली, तो उसमें आप चाबी भरोगे, ठीक है, तो स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, जैसे मान लो कि हमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी भरनी है, तो इस एम पे फोर्स किधर लगाएंगे, इधर वर्क डन ऐसे करेंगे, किस फोर्स के अगेंस्ट, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इट विल इंक्रीज। ओके, सो बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ईजी था बहुत, आगे चलते हैं।
सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कार ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट. द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू. इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, इजी पीजी. ये बताइए. फोर्थ पुष्पम सिंह, फोर्थ भाई साहिब, साहिल अंकुरी सिंह, फोर्थ. अभी अभी किया था वही सवाल है, सेम अभी किया था ना पीछे, वही तो सवाल है, कुछ अलग नहीं है, द सेम प्रॉब्लम यार. मंगेशी सिंह थर्ड, तो पिछले वाले का. दिस इज द सेम प्रॉब्लम जो हमने पीछे किया है ना, वही प्रॉब्लम है. ओके, इट्स नॉट द डिफरेंट वन, इट्स वेरी इजी अगेन. देखो कैसे करना है. द पावर इज कॉन्स्टेंट पी नॉट. ओके, पावर इज कॉन्स्टेंट गिवन है, पी नॉट गिवन है. आपको क्या बोला है, वेलोसिटी बोली है ना. वेलोसिटी कैसे पता नहीं, अभी अभी तो किया था. पावर होता है एफ डॉट पी इज इक्वल टू पी नॉट. ओके, एफ इज एम ए, वी इज इक्वल टू पी नॉट. वी नो दैट ए इज डी वी बाई डी टी. यस, सो डी वी बाई डी टी, वी इज इक्वल टू पी नॉट. सो आई कैन राइट वी डी वी इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन एम डी टी. इट्स द सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने सोल्व की थी, वही है. सो वी कैन इंटीग्रेट इट बोथ साइड्स. सो क्या मिलेगा हमें, इधर इधर बनेगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू पी नॉट टी अपॉन एम. सो सिंपली आई कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी नॉट टी बाई एम, और आई कैन राइट वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू पी नॉट टी अपॉन एम. तो क्या बोला है, वी किसके प्रोपोर्शनल है, सो टी अपॉन रूट एम के नहीं है. सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. ओके, और टी रेस टू द पावर 1/2. ओके, सो ऑप्शन फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, इट्स वेरी इजी. ओके रॉयल आर्मी लवर, बाय बाय बाय. राम राम मंगेश. इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ईजी है, बहुत ईजी, वेरी ईजी, वेरी ईजी. ओके, अभी पीछे किया ना वही सवाल है, कोई अलग तो है नहीं. आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड.
आगे चला जाए। और डाउट हो तो पूछिए, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम ए सीलिंग एंड हैज फोर्स कॉन्स्टेंट वैल्यू के। द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी। इट्स वेरी इजी, बहुत ईजी सा सवाल है ये। अगेन, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। फोर्थ पोस्टों में से एक फोर्थ, अभी देखते। डी रॉयल आर्मी लवर इज सेइंग डी। ओके, अभी देखते हैं। श्रेयस इज सेइंग फोर्थ, 0% डाउट इज सेइंग फर्स्ट। ओके, साहिल अंकुर इज सेइंग ऑप्शन ए। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो, ऐसे स्प्रिंग को यहाँ से लटकाया है, मैंने बताया था, सवाल थ्योरी पढ़ाई थी ना बकपा एनर्जी की। जब ये एम है यहाँ से लटका दिया, तो कितना एक्सटेंशन होगा इसमें मैक्सिमम, ना वो पूछा है। ऑप्शन ए। ओके, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू गाइस। देखो कैसे करना है। स्प्रिंग गिवन है अपने को, ये यहाँ पे एम, ठीक है, तो नीचे जाएगा ये, ना नीचे जाता जाता जाता। देखो क्या तीन केस बनेंगे। दिस इज द केस नंबर टू, जब ये यहाँ पे आ जाएगा एम, फिर एक तीसरा केस हो रहा है। देखो ऐसे एम यहाँ आ गया। ओके, सो देर आर थ्री लेवल्स। ये क्या क्या है देखो, मैं बता देता हूं। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस वाले पॉइंट पे यहां पे फोर्स जीरो है। देखो फोर्स कितना होगा, जीरो। अभी फोर्स कितना लग रहा है, एमजी के एक्स, तो जीरो है। तो इस वाले जगह पे देखो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एमजी होगा। एफ किसका, स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग कितना है, के एक्स बराबर एमजी। इस वाले केस में जो ये x है, ये वाला x, वो कितना है, एम जी बाई के। यहां से एम जी बाई के आ गया ना, सो दिस लेंथ इज एम जी बाई के, बट दिस इज द x मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम जो इसमें एलोंगेशन आएगा वो है x मैक्सिमम। वो कैसे लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। यहां वेलोसिटी है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि एस एच एम का मीन पोजीशन है ये। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, क्योंकि फोर्स कितना है यहाँ पे, जीरो है। एंड हियर द वेलोसिटी इज अगेन जीरो। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, देखो एम जी का कितना होगा, एम जी इंटू नीचे आया कितना, एक्स मैक्सिमम, तो कितना हो गया एक्स मैक्सिमम। स्प्रिंग का कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी है, जीरो। इनिशियल कितनी है, जीरो। तो चेंज भी कितना होगा, जीरो। तो यहाँ से देखिए एक्स मैक्सिमम कितना आ गया, एक्स मैक्सिमम विल कम आउट टू बी 2mg अपॉन k। ओके, सो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ, 2mg बाई k, ठीक है। दिस इज mg बाई k एंड दिस इज mg बाई k एज वेल। ओके, तो देखो ये एम्पलीट्यूड कितना हुआ इस SHM का, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM कितना हो जाएगा इसका,
एम जी बाई के, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ, 2 MG/K, एम जी बाई के प्लस एम जी बाई के, ओके। सो दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन विच इज 2 MG/K, सो दिस इज द एस एच एम। ये हमें पूछा गया था कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है, सो 2 MG/K इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। आई होप दिस इज क्लियर, सब कुछ बता दिया मैंने इसमें, है ना। यस आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, इट्स वेरी इजी दो। बहुत इजी है कुछ। हेलो रितु वीके, ओके श्रेयस, कीटी गर्ल हेलो हाय। आगे बढ़े कि कोई डाउट है, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2TiK प्लस 3T² J न्यूटन, वेयर IK J आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी। हाँ तबीयत थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा जुकाम हो गया मेरे को। हेलो एसूपी हाय। साहिल, साहिल अंकुर इज सेइंग सेकेंड, कोमल इज सेइंग सेकेंड, कोई देखते हैं। पुष्पम इज सेइंग सेकंड, श्रेय राणा इज सेइंग सेकंड, ओके। रॉयल आर्मी लवर इज सेइंग बी, ओके। अभी चेक करते हैं क्या आंसर आना चाहिए। बी 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 सब लोग बी बोल रहे हैं। यस 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 0% डाउट, यस एग्जैक्टली। देखो एफ वेक्टर गिवन है आपको, एफ इज 2TiK प्लस 3T² J, ए कैसे लिखोगे, ए कितना आएगा एफ बाई एम, एम तो वन है ना, एम वन है इसलिए ए भी यही आ जाएगा, 2TiK प्लस 3T² J, दिस इज ए। देन देखो बोलो ए को हम लिख सकते हैं dv/dt, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2TiK प्लस 3T² J, देन डी वी इज इक्वल टू 2T, सॉरी 2TiK प्लस 3T² J, dt। अब आप इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ,
सो वी कैन इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, सो वी विल गेट v इज इक्वल टू, यहाँ इसका स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू बनेगा, टी बन जाएगा सिर्फ, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब बाई थ्री, थ्री कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, टी क्यूब जे कैप। ओके, तो v हमारे पास आ गया। हम जानते हैं पावर क्या होता है, p इज इक्वल टू एफ डॉट v। तो फोर्स देखो कितना है, फोर्स फोर्स है टू टी प्लस थ्री टी स्क्वायर, सो टू टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप डॉट वी वेक्टर वेलोसिटी कितना है, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, सो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। देखो आई वाले को, आई वाले के साथ टू टी इंटू टू स्क्वायर क्या बनेगा, टू टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब क्या बनेगा, थ्री टी फाइव। दिस इज द पावर। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। हेलो हरित कमल सद्दू साधु, बोलिए डाउट है तो। बहुत इजी था, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, ये बताइए, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के इज कट इन टू थ्री लेंथ्स ऑफ रेशियो वन टू थ्री, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन एंड द न्यू फोर्स कॉन्स्टेंट इज के डैश, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द फोर्स कॉन्स्टेंट इज के डबल डैश, देन के डैश बाई के डबल डैश इज। ये भी अच्छा सवाल है, नीट 2017 में पूछा गया था। बोलिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, फास्ट बोलेंगे। बी ऑप्शन 0% डाउट इज सही। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ऑप्शन टू, अच्छा ये करवाया था क्या मैंने, मैं भी ये करवाया होगा। बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें, इट्स वेरी इजी, ऑप्शन टू। ओके, टू 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 टू, देखो वन टू थ्री में डिवाइड किया ना, वन टू थ्री, तो देखते हैं के वन के टू के थ्री क्या होंगे, के वन के टू के थ्री क्या होना चाहिए ना, के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो देखो सिंपली के वन क्या आ जाना चाहिए, देखो के वन क्या आना चाहिए, के वन क्या आना चाहिए, यहाँ पे वन टू थ्री है ना, तो इसको आप k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दिया मैंने, वन टू थ्री में है तो इनमें एक एक में बांट दो, तो देखो क्या बनेगा, इसमें इसका आएगा वन बाई सिक्स इंटू के, एक का k बाई सिक्स आ जाएगा, एक का आएगा टू के बाई सिक्स, एक का आएगा थ्री के बाई सिक्स, है ना, इनको आप एक बार सीरीज में जोड़ोगे, सीरीज में तो सब एड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, k बन जाएगा, पैरेलल में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे देखो क्या बनेगा, पैरेलल में सिंपली क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, के वन के टू के थ्री लिख रहा हूं मैं ना, के वन के टू के थ्री सिंपली, सो सॉरी के बाई सिक्स नहीं बनेगा, क्या बोलते हैं,
यस, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो क्या बना देखो, K/6, K/3 और K/2, इनको ऐड करोगे तो देखो कितना बनेगा, 11 बनेगा, है ना। उल्टा करके ऐड करोगे इनको, पैरेलल में जोड़ दोगे तो। बोलो, तीनों का अलग अलग निकालना हो तो कैसे करेंगे बताएंगे, बताओ। चलो, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ। ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, या जो भी है टू इज करेक्ट। 1, 2, 3 में डिवाइड कर दिया है ना, एल में, L1, L2, L3। तो कैसे करोगे, इन तीनों का K1, K2, K3 क्या आएगा, K1 क्या आएगा, K2 क्या आएगा, K3 क्या आएगा, बोलिए। सिंपल, आप ऐसा कर दीजिए, KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, देखो K1 L1, ठीक है, इज इक्वल टू K2 L2, इज इक्वल टू K3 L3, ठीक है, इज इक्वल टू पूरी लेंथ कितनी मान ले, 6L मान लेते हैं, पूरी लेंथ, पूरी लेंथ मान लेते हैं 6L, है ना, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा L, इसका 2L, इसका हो जाएगा 3L। देखो कितना बन गया, ये हो गया K × 6L। देखो K1 क्या आ जाएगा, K1 आएगा 6KL/L1, L1 कितना है, L है, तो K1 कितना आ जाएगा 6K। K2 कैसे निकालेंगे, K2 × L2 कितना है, 12 इज इक्वल टू K × 6L। देखो K2 कितना आ जाएगा, 3K, ठीक है। और क्या है, K3 देखो कैसे निकालोगे, K3 कैसे आएगा, K3 कैसे निकालेंगे, K3 के लिए आ जाएगा K × 6L/3L, कितना बन जाएगा, 2K। सो ये आपके आ जाएंगे, है ना, 2K, 3K और 6K, बस इनको ऐड कर दो, 2K, 3K, 6K, ये आ जाएगा। इनको आप सीरीज में जोड़ोगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, सीरीज में जोड़ोगे डायरेक्टली होंगे 2, 3, 5, 6, 11 के, ठीक है, ये सीरीज में हो गया, ठीक है, इट्स वेरी इजी। लेंथ कम होगी तो के बढ़ेगा, ओके। बोलिए जल्दी से, बस इनको अब क्या बोलते हैं, सिंपली आप इनको सम कर लीजिए, इनका क्या आएगा, जो भी आएगा। के मैंने कैसे लिखे हैं, समझ में आया कि नहीं आया है, के लिखना जरूरी है, के लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, बहुत इजी है यार ये, के कैसे लिखते हैं जो। अब तो इजी है, अब तो रेशियो निकालना है, हाँ ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, अब तो इनका रेशियो निकालना है ना। एक बार सीरीज में ऐड कर दो, एक बार पैरेलल में ऐड कर दो, है ना। तो देखो क्या बोला है, कनेक्टेड इन सीरीज, तो के डेस देखो क्या आएगा, के डेस सीरीज में ऐड करोगे तो सीरीज में तो एक कैसे जुड़ते हैं, कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं, उल्टे होकर जुड़ते हैं, तो 1/K इज इक्वल टू 1/6K + 1/3K + 1/2K। तो कितना आएगा ये, 6K, तो 1 + 2 + 3, तो ये कितना बन गया, 1/2, तो के ही आ गया वापस, के डेस तो कितना आ गया, के आ गया सीरीज में, तो ठीक है। पैरेलल में देखो, पैरेलल में कैसे जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या बन गया, K" बन गया, K" कितना होगा, डायरेक्ट K1 + K2 + K3 होगा, 6K + 3K + 2K, कितना बनेगा, 11K। इन दोनों का रेशियो निकालना होगा, रेशियो 12 11, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे तो बहुत ईजी है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसान है बहुत। यस और नॉट, ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बताइए। कितने सवाल बच गए अब? वी हैव थ्री मोर क्वेश्चंस विथ इट। ओके, इसके अलावा वी हैव टू मोर क्वेश्चंस। ये बताइए। ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कॉलिजन एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज। थर्ड। सॉरी, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट? हाउ विल यू सॉल्व इट? ओके, 20 मीटर पर सेकेंड, कैसे सॉल्व करोगे? हाथ से सॉल्व करोगे? गुड। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GS से? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GS से नहीं होगा, 0% डाउट। यू भी गिवन है इसमें, देखो क्या बोला है, मैं बताता हूँ। अपने को दे रखा है ये हाइट से फेंका है ना, इस हाइट से कितनी हाइट गिवन है? 20 मीटर्स। कितनी स्पीड से फेंका है इसको? वी नॉट से। वी हैव थ्रोन इट विथ वेलोसिटी वी नॉट डाउनवर्ड। ओके, ऐसे गया, फिर ये वापस बम्प करेगा, लेट्स से द वेलोसिटी इज वी, फिर वापस यही हाइट तक गया ये, ठीक है ना? सो देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो यहाँ इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं ना, लेट्स से दिस वेलोसिटी इज वी नॉट डैश। तो वी नॉट डैश देखो कैसे लिखेंगे, वी नॉट डैश कैसे लिखोगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से। सो वी नॉट डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू इज वी इज नॉट स्क्वायर प्लस 2, ए इज जी, एस इज एच, एच कितना है? 20 है ना, एच इज 20, दिस इज 4400। सो वी डैश नॉट स्क्वायर कितना आ गया? वी नॉट स्क्वायर प्लस 400, ये आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि एनर्जी 50% लॉस हो गया, एनर्जी का 50% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखना 50% लॉस हुआ, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ये कितनी है? इनिशियल की आधी होगी ना, जब भी तो 50% लॉस होगा ना यार। सो आई कैन राइट 2 into काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 2 into 1/2 m वी फाइनल स्क्वायर। वी फाइनल मतलब ये वाली कितनी है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? 1/2 m × इनिशियल कितनी थी? वी नॉट डैश स्क्वायर। ओके, सो वी नॉट डैश स्क्वायर ये ऐसा बोला हुआ है। दिस इज़ वेरी इजी। सो सिंपली देखो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 m 1/2 m कट गया,
सो वी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से, वी स्क्वायर इज सिंपली वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब बोला है कि मैक्सिमम हाइट कितनी जा रहा है, उतनी जा रहा है, तो एच मैक्सिमम क्या होता है, एच मैक्सिमम होगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी, वी स्क्वायर अपॉन टू जी होगा ना यहाँ पे, तो वी स्क्वायर क्या आ गया अपना, टू जी एच मैक्सिमम। तो वी स्क्वायर कितना है, वी नॉट डैश स्क्वायर है, तो वी नॉट डैश स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू टू जी एच मैक्सिमम। तो यहाँ से देखो सारी वैल्यू पुट करो, एच मैक्सिमम कितना है, 20 है ना, सो 4400 800 आ गया, सो वी नॉट डैश स्क्वायर इज 800, ये आ गया, ये वी नॉट डैश स्क्वायर आया 800। अब इसको यहाँ पुट करेंगे हम, तो देखना 800 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 400, तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर भी कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर आ गया 400, तो हमें वी नॉट ही पूछा था, वी नॉट कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बट बहुत अच्छा सवाल था, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं देना है ना, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा, दिस इज द ओनली वे। हेलो बासीर, बसीर स्क्रीन नहीं दिख रही, कौन सी स्क्रीन नहीं दिख रही है, बहुत अच्छा सवाल है ये, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले देखो वी नोट से फेंका, जब टकरा रहा है उस टाइम वेलोसिटी मान ली मैंने वी नोट डैश, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नॉट डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से, सिंपली एस गिवन है, एस इज एच, यहाँ से यहाँ टकराने से पहले वी नॉट डैश स्क्वायर कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर प्लस 400। अब 0% डाउट रूट टू जी एस से आ रहा है गलती से, ठीक है, तुक्का तुम्हारा भिड़ गया कि टू जी एस 2 × 10 × 20, अब इसको मैं 40 कर दूंगा तब तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, समझ रहे हो, तो टू जी एच कोई तरीका थोड़ी है, क्यों लगाओगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हो आप, वो समझे, यही एग्जैक्ट मेथड है, दिस इज द एग्जैक्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, रूट टू जी एच से नहीं आएगा ये, यहाँ पे देखो 40 करके देख लो तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, है ना, फिर रूट टू जी एच से नहीं आएगा वो, ये तो डेटा ऐसा है कि तुम्हारा आंसर सेट हो रहा है, ओके। समझे, यहाँ अगर मैंने 40 मीटर कर दिया तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा इस तरीके से, दिस इज द ओनली मेथड, यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स जो भी सवाल में बोला गया वो। यस और नॉट, ओके लेट्स मूव अहेड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर शाबाश के श्रोडिंगर्स कैट, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू 0.1 x J/m ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 20 to 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, बोलिए। बहुत ईजी है, बोलो, वेरी इजी, वेरी इजी, अगेन इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम, यस, वन मोर, जस्ट वन मोर, देर इज वन मोर क्वेश्चन इसके अलावा, ऑप्शन फोर्थ, साहिल अंकुर इज सेइंग फोर्थ, ओके, डी डी सब्बास के डी डी डी, ओके डी बोल रहे हैं सब लोग, अभी देखते हैं। पोस्टम इज सेइंग फोर्थ, डी डी, ओके अभी चेक कर लेंगे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। डी डी ओके, 525 आ रहा है मेरा, अभी देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, डोंट वरी,
डू नॉट वरी. ओके, तो पूजा सुंडा इज सेइंग ए. ओके, ग्रेट ग्रेट, जल्दी से बता दो, मैं सॉल्व कर दूँ इसको. देखो सिंपली, पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर. सो हाफ एम इज गिवन, एम इज 10 kg. वी कितना इनिशियली? वी इज 10 m/s, सो 100. ठीक है, तो ये बनेगा 500 जूल्स. इनिशियल कितनी होगी? 500 जूल्स. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज 500 जूल्स. अब देखो ये खा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है 0.1x. कहाँ से कहाँ तक? 20 से 30 तक. तो इसका वर्क डन कितना होगा? देखो वर्क डन कितना होगा, 0.1 × x डी एक्स. कहाँ से कहाँ तक? 20 से 30 तक. ऐसा सवाल मैंने कल भी कराया था ना, सो बहुत ईजी है. देखो यहाँ पे, सो वर्क डन कितना आएगा इसका, 0.1 x डी एक्स 20 से कहाँ तक 30 तक. देखो कितना बन गया, 0.1 x का कितना होता है? x² / 2 होता है ना, तो 2 बाहर ले लिया मैंने. लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 20 से 30 तक. तो देखो 900 - 400 है, कितना बन गया? 0.1/2. 900 - 400, 500 बन गया ना ये. तो देखो ये 250.1, ये 25 बन गया, 25 जूल. तो ये रिटार्डिंग फोर्स तो खाने वाला है, रिटार्ड करेगा, तो ये माइनस है ना, ये खाएगा इसकी एनर्जी. रिटार्डिंग फोर्स विल ईट अप द काइनेटिक एनर्जी. ओके, कितनी खा गए? 25 जूल खा गया. पहले कितनी थी? 500 जूल थी. इसमें से -25 कर दो, कितनी बन जाएगी? 475 जूल. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, आई होप दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड, यस और नॉट? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. हाँ साहिल, यस कोमल, सही बोल रहे हो. 25 ऐड नहीं करना है, माइनस करना है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है ना, सो इट विल ईट अप द काइनेटिक एनर्जी. यस, क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर बोलिए, यस और नॉट? स्वाति, हाय स्वाति यादव. ओके, लेट्स मूव अहेड. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बहुत इजी है, इजी वीजी, इजी वीजी, इजी सीधा याद रखने वाला है. पूरा लूप पूरा करना है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी? तो सबको आता है यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी कि पूरा लूप पूरा कर लेगा? बोलिए जल्दी, इट्स वेरी इजी. फोर्थ फोर्थ पुष्पम इज सेइंग फोर्थ. पुष्पम, ये याद रखना होता है. ओके, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, जो भी है वो याद रखना होता है. कितनी वेलोसिटी होती है वी मिनिमम नीचे? कोमल इज सेइंग 2, 0% डाउट इज सेइंग 2. परी, हाय परी. अब्दुल अजीज इज सेइंग सेकेंड वाला. कोमल इज सेइंग सेकेंड. ओके, ग्रेट √5 gr. ओके यस, √5 gr इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. पुष्पम याद रखना है, नीचे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? √5 gr होनी चाहिए, देन ओनली द पार्टिकल कैन ट्रेवल द होल सर्कल. ओके यस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ओके गाइस, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो DC फिजिक्स जेई नीट, यू कैन ज्वाइन. ठीक है, यू आर वेलकम. डी है DC फिजिक्स जेई एंड नीट. ओके, यू कैन ज्वाइन, ऑल यू ऑल आर वेलकम हियर. सो दिस विल बी इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरी वन, टेक केयर, बाय, गुड नाइट. आई विल सेंड यू द PDF ऑन माई ग्रुप. ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू.
ओके बाय बाय कोमल पुष्पम रॉयल आर्मी बसीर 0% डाउट ओके परी बाय 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 थैंक यू सो मच बाय टेक केयर ओके अनअकैडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय नेम इज़ दिलीप सिंह चौहान एंड दिस विल बी इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी